रोजाना मंडी भाव के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। अब लोकल तो बिल्कुल खत्म हो चुके हुए और लोकल तो खत्म ही हुआ, चल रहा है सर, हिमाचल चल रहा है जी। अभी ये सारा हिमाचल वाला ही है सर, सुन रही है अच्छी क्वालिटी थी ये तारो डैमेजों का। ये तो बड़ा साफ सुथरा सामान रहा जी, ये कि हिमाचल वाला में आजकल वो ट्रेड सी आ रही थी, ये वाला सर, वो ट्रेड वाला, ये 1000 में बिका। हाँ जी हाँ, इस तरह का ये टमाटर, ये 1000 में बिका, ये 1000 में बढ़िया। नमस्कार, कैसे हैं भाजी? बढ़िया सर। भाजी आज रविवार के दिन करनाल मंडी में सब्जियों का कैसा बाजार चला जी? रविवार के दिन सर आवक ज्यादा रही और ग्राहकी थोड़ी कम थे, संडे के दिन आज आवक ज्यादा रही है और ग्राहकी कम देखने को मिली है। हाँ जी हाँ, तो बहुत बढ़िया, लंबी लंबी पतली पतली की आ रही है जाल वाली। वीडियो को जल्दी देखने के लिए आप वीडियो की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको वही जानकारी कम समय में मिल जाएगी। इसके अलावा आप वीडियो को बेहतर समझने के लिए वीडियो की शुरुआत में सब टाइटल ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको रेट समझने में आसानी रहेगी। अगर आप एग्री मंडी चैनल के साथ अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो वीडियो में आपके लिए जानकारी। सभी किसान व्यापारी और आर्थिक भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है रविवार और तारीख 14 जुलाई 2024। आज मंडी में फल सब्जियों की आवक बिक्री, मंडी का माहौल कैसा रहा, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और अपना अनुभव भी बताएंगे। 10-11 मिनट की वीडियो में आपको मंडी के माहौल की देंगे विस्तार से जानकारी। यह वीडियो हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का दूसरा भाग है। इससे अलग हमारी मंडी रिपोर्ट की वीडियो का पहला भाग भी है, जिसमें आलू प्याज के बाजार भाव का माहौल साझा करेंगे। भाइयों, आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध है, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर कमेंट में से एक तो जरूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत और प्यार से वीडियो बनाते हैं, हमारी मेहनत की सफलता इसी में है। आप वीडियो को पूरा देखें। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे टमाटर के बाजार भाव से और जानकारी लेंगे आरती भाई श्री सुमित कुमार जी से। भाव जी नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। भाव जी आज करनाल मंडी में टमाटर का कैसा बाजार चला जी? टमाटर का ठीक रहा सर, नॉर्मली बाजार रहा 1000 से लेके 1200 तक बिके। 1000 से 1200। हाँ जी हाँ जी। माल तो भाव जी अब लोकल तो बिल्कुल खत्म हो चुके हुए। और लोकल तो खत्म है, हिमाचल ही चल रहा है सर। हिमाचल चल रहा है जी? हाँ जी हाँ जी। ये सारा हिमाचल वाला ही है सर, सुन रही है अच्छी क्वालिटी थी ये तारो डैमेजों का। ये सर 1200 रुपए बिका सर, नीचे उतार दे, नीचे उतार दे ये गाड़ी की सर, 1200 रुपए खर्चा ऊपर, 1300 नेट बिकी है ये, 1300 नेट बिकी है। हाँ जी हाँ जी। अब ये तो बड़ा साफ सुथरा सामान रहा जी, ये कि हिमाचल वाला में आजकल वो ट्रेड सी आ रही थी, ये वाला सर, वो ट्रेड वाला, ये 1000 में बिका। हाँ जी हाँ, इस तरह का ये टमाटर, ये 1000 में बिका, ये 1000 में बिका, बढ़िया माल 1200-1300 रुपए का, बढ़िया माल 1200-1300। माल बेंगलोर के बहुत अच्छे आ रहे हैं, मगर दिल्ली 1600-1700 रुपए बिक रहे हैं। दिल्ली की? हाँ, बेंगलोर बहुत अच्छा आ रहा है, हाइब्रिड बहुत अच्छी क्वालिटी, मगर भाव 1700 रुपए है। भाव 1700? हाँ, यहाँ के 1800 को पड़ेगा, ग्राहक 1900 वाला मिलेगा जी। क्वालिटी बहुत सुपर है सर, क्योंकि यहाँ तो अभी हिमाचल वाला ही ज्यादा चल रहा है। हिमाचल ही चल रहा है, बेंगलोर तो आई नहीं, बिल्कुल नहीं आया नहीं जी। तो हिमाचल वाला कब तक चलने की संभावना बाबू जी? हिमाचल तो अभी लंबा टाइम चलेगा, लंबा टाइम चलेगा, शुरू है, 2 महीने और चलेगा। बेंगलोर आ जाएगा कल परसों, मंगाएंगे थोड़ा सा रेट नॉर्मल आ जाएगा। मंगवाएंगे जी? हाँ जी जरूर मंगवाएंगे। चलो जी, बहुत अच्छी बात है जी, बेंगलोर वाले माल भी देखे जी, उनकी क्वालिटी कैसी है। और भाजी अभी आसपास का कोई लोकल माल चलने की भी संभावना है? नहीं नहीं, आसपास का कौन सा चल रहा है अभी? आसपास वाले ना, आसपास का कौन सा। बहुत बहुत धन्यवाद भाजी, टमाटर के बारे में भी साझा किया। नाम नंबर और फर्म का नाम भाजी? सुमित कुमार, फर्म का नाम मोबाइल नंबर। धन्यवाद भाजी। सब्जियों का बाजार भाव इस प्रकार से देखा गया, मटर 70 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 90 रुपए किलो तक का बाजार रहा है। शिमला मिर्च बढ़िया माल, ये क्रेट वाला 65 रुपए से 75 रुपए किलो का बाजार चला। पेप्सी मिर्च 27-28 रुपए किलो रही है। बंद गोभी 18-22 रुपए किलो। पालक 12-16 रुपए किलो। पुदीना 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक का बाजार चला। पेठा 15 रुपए से 22 रुपए किलो रहा है। पेठे में मोटे साइज का पेठा जो होता है भाइयों, 15-16 रुपए किलो का बाजार रहा है, और जो छोटे साइज का बढ़िया पेठा वो 20-22 का बाजार चला। नींबू 60-70 रुपए किलो क्वालिटी के हिसाब से। खीरा पोली वाला 35 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक का बाजार रहा है। बैंगन 25 रुपए से 30 रुपए किलो। बैंगनी का बाजार 28-30 रुपए किलो।
अन्य दिनों के मुकाबले बैंगन में आज कुछ गिरावट देखी गई। अरबी 38 रुपए से 42 रुपए किलो का भाव रहा। कच्चा आम अचारी 15 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 25 रुपए किलो तक का भाव रहा है। छोटे साइज का माल कम रेट में रहता है और भाइयों बढ़िया मोटे साइज का माल जो है अच्छे दाम में बिकता है। रामकेला अचारी आम 30 रुपए से लेकर क्वालिटी के हिसाब से 33 रुपए किलो तक का बाजार रहा है। कुछ सब्जियां बकाया रहती है, उनके बाजार भाव की जानकारी लेंगे आज आरती भाई श्री अमनदीप सिंह जी से। भाव जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं भाव जी? बढ़िया सर। भाव जी आज रविवार के दिन करनाल मंडी में सब्जियों का कैसा बाजार चला जी? रविवार के दिन सर आवक ज्यादा रही और ग्राहकी थोड़ी कम थे। संडे के दिन आज आवक ज्यादा रही है और ग्राहकी कम देखने को मिली है। ग्राहकी कम रही है बाबूजी आज? हाँ जी सर। और माल की आवक ज्यादा है जी? माल की आवक बहुत ज्यादा है सर। तो बाजार क्या चला बाबूजी? भिंडी क्या रेट बिकी आज? भिंडी आज सर 15 से 20 तक आ गई इसकी पोजीशन। वाह जी, भिंडी डाउन पोजीशन गई आज? हाँ जी सर। और बाबूजी धनिया में तो करंट होगा जी आजकल? धनिया ये 50 रुपए किलो हो रहा है सर। 50 रुपए किलो? हाँ जी सर। पत्नी पीली पीली आग लगी जी धनिया में? कुछ गर्मी है ना सर? हाँ गर्मी के कारण क्वालिटी थोड़ी ढीली पड़ रही है। और ये तोरी क्या रेट बिक रही है सर? ये वाली तो बिक रही है 30 से 40 तक बिक रही है। 30 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो तक? हाँ जी सर। तोरी का फिर भी बाजार टिक रहा है। और बाबू जी खीरा भी आया जी अपने पास? नहीं सर, ये खीरा सर जो है इंदौर का चल रहा है सर। इंदौर बिक रहा है 25 रुपए किलो। अच्छा जी। और ये लोकल है? ये लोकल है सर। अच्छा, घिया का क्या रेट रहा है? घिया सर 12 रुपए से लेके 15 रुपए तक बिक रही है। 12 से 15? घिया का आज काफी डीलर है भाव जी। हाँ जी हाँ जी। घिया की आवक ये इतनी की आई कहाँ से है जी? सर आई इसलिए सर बाकी मंडिया बंद है। छोटे मुनीम जी हेलो, बंद करके सर थोड़ा हो गया सर। बाहर लोकल है ये? बाहर लोकल चालू भी ज्यादा हो गया सर। एकदम लोकल चालू हो गया? हाँ जी हाँ जी सर। और बाहर का भी चल रहा है जी? बाहर का भी चल रहा है, लोकल भी है जी। हाँ जी सर। और फूल गोभी की पोजीशन बाबू जी? फूल गोभी सर बहुत महंगी है, 50 से लेकर 70 रुपए तक रेट है। 50 रुपए से 70 रुपए किलो? हाँ जी सर। फूल गोभी पोजीशन संभाल रही है जी? हाँ जी सर। करेले में भी करे जी आज कुछ मंदा? करेला नहीं ठीक है सर। अच्छा करेला तो 18 रुपए दिख गया, बाकी हल्का करेला तो 14-15 रुपए ही है। हल्का 14-15 पड़े 18 रुपए? हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हरी मिर्च भी थी सर? हरी मिर्च क्या रेट बताई जी? पेप्सी बिकी सर लिफाफे में 40 रुपए किलो, बीरेट वाली बिकी 45 रुपए, लोकल बिकी 55 रुपए। लोकल का रेट ज्यादा बढ़िया रहा है? लोकल सर खाली लोकल वो बारी जी। 3-15 मिनट लिख लियो। हाँ घिया तो बहुत बढ़िया, लंबी लंबी पतली पतली की आ रही है जाल वाली। हाँ जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी, आज सब्जी के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। नाम नंबर और फर्म का नाम जी? सर वो मुनीम की भी ले लेते हैं। अच्छा मुनीम के पास क्या माल है जी? वो स्वीट कॉर्न पड़ी सर। स्वीट कॉर्न? बाबू जी नमस्कार। नमस्कार सर। बाबू जी आज अपने पास स्वीट कॉर्न? अरे ले लिया। क्या बाजार चल रहा है जी स्वीट कॉर्न का? स्वीट कॉर्न बाबू जी आज मंदा है। क्या रेट चल रहा है जी स्वीट कॉर्न? ये 5-7 रुपए किलो जी। 5 से 7 रुपए किलो। ये ऊपर का काने काने से हो रहा है जी? मीठा नहीं जी, कीड़ा लग जाता है। कीड़ा लग जा रहा जी? हाँ जी ये कारण है। 400 दे रही स्वीट कॉर्न में? हाँ जी। और बढ़िया माल का क्या रेट? बढ़िया माल बिक रहा है बाबू जी 20-22 रुपए किलो जी। बढ़िया माल 20-22 रुपए? हाँ जी हाँ जी। बढ़िया माल 20-22 रुपए किलो। और ये हल्का चला है मंदा रहा है? हल्का मंदा जी। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद बाबू जी, आज आपने सब्जियों के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ। नाम नंबर और फर्म का नाम? मेरा नाम अमनदीप है सर। फर्म का नंबर 566, फर्म का नाम है हिमगुल फ्रूट एजेंसी। मोबाइल नंबर 7206270091। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। ठीक है सर। दोस्तों एग्री मंडी टीम को जरूरत है एक ऐसे होनहार एंकर की जो कि मंडी भाव के लिए एंकरिंग कर सके और इसके अलावा उसको खेती और मंडी से जुड़ी जानकारी हो, तो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। फलों के भाव इस प्रकार से देखे गए। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 900 रुपए से 950 रुपए कट्टा। मौसमी भाइयों 3 नंबर 4 नंबर माल 600 रुपए से लेकर 800 रुपए तक का बाजार रहा। अनानास का बाजार 35 से 38 रुपए किलो। केला क्रेट 10 से 12 दर्जन 350 रुपए से 550 रुपए क्वालिटी के हिसाब से। सेब 16-17 किलो डब्बा 1800 रुपए से 2000 रुपए इस क्वालिटी का माल। आम दशहरी इस तरह का माल आज 20 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो तक का भाव चला है और भाइयों इस तरह के माल 15 से 18 रुपए किलो के बीच रहे हैं। आम में ये माल 18 से 22 रुपए किलो रहा है। बब्बू कोस 50 रुपए से क्वालिटी के हिसाब से 80 रुपए किलो तक बिका है।
पपीते का बाजार 30 रुपए से लेकर बढ़िया माल 40 रुपए किलो के भाव रहे हैं। अनार इस क्वालिटी का माल 1100 रुपए से 1150 रुपए डब्बा, एक डब्बे में 10 किलो अनार होते हैं। जामुन का बाजार 40 रुपए से 80 रुपए किलो तक रहा है। कुछ ज्यादा पके हुए माल कम रेट में रहते हैं, बढ़िया टाइट माल अच्छे रेट में रहते हैं। नाशपति क्वालिटी के हिसाब से 20 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक का भाव चला। कुछ माल मंडी में परचून भाव में बिकता है, जिसका कारण उसकी कम लागत या ज्यादा भाव का होना होता है। उनके भाव जानते हैं। अदरक 80 रुपए से 100 रुपए किलो। भाइयों ये नई अदरक है, आप देख सकते हैं, जिसका बाजार 80 रुपए से 100 रुपए किलो रहा है। पीली गाजर 38 से 40 रुपए किलो। भीसा 100 रुपए से 120 रुपए किलो। मशरूम का बाजार 150 से 160 रुपए किलो। ग्वार फली 65 से 70 रुपए किलो। लाल पीली शिमला 180 रुपए से 200 रुपए किलो, बढ़िया माल। परवल का बाजार 45 से 50 रुपए किलो। कटहल भाइयों 60 से 65 रुपए किलो परचून भाव में रही है। आज रविवार के दिन मंडी में माल की आवक अच्छी रही, ग्राहक की कुछ ढीली नजर आई। घिया की आवक आज कुछ ज्यादा रही है। सब्जियों में लोकल माल भिंडी घिया तोरी करेला की आवक धीरे धीरे बढ़ने लगी है। दशहरी आम और अचारी आम की आवक ठीक ठाक चली हुई है। भाइयों यह था आज करनाल मंडी में फल सब्जियों का बाजार भाव वीडियो भाग दो। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आलू प्याज के बाजार भाव के लिए देखें वीडियो भाग एक। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। सभी किसान व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों फल व सब्जियों के ताजा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।